बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना 1970 के दौरान अमर अकबर एंथनी, राजपूत, द बर्निंग ट्रेन और कुर्बानी जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे। 6 अक्टूबर 1946 को जन्मे एक्टर विनोद खन्ना ने साल 1968 में फिल्म मेरे अपने से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। साल 1982 में एक्टर ने अपने फिल्मी करियर के चरम पर आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश का अनुसरण करने के लिए इंडस्ट्री से 5 सालों का ब्रेक लिया था। अपने लंबे ब्रेक से वापस आने के बाद उन्होंने फिल्मों में वापस आने के लिए कुछ निर्माता और निर्देशक दोस्तों से संपर्क किया। जिन फिल्म निर्माताओं से उनका संपर्क हुआ उनमें से एक थे महेश भट्ट, जिन्होंने 2 फिल्में जुर्म और प्रेम धर्म के लिए एक्टर को साइन किया था। फिल्म प्रेम धर्म में अभिनेता के साथ एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया थी। उस समय अपने ब्रेक से फ्रेश होकर विनोद एक साथ कई प्रोजेक्ट में शामिल थे, साथ ही डबल शिफ्ट कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन महेश ने रात की शिफ्ट में फिल्म प्रेम धर्म की शूटिंग करने का फैसला किया। यह एक इंटीमेट बेड सीन था जहां विनोद को सोने से पहले डिंपल को किस करना था और उन्हें गले लगाना था। विनोद खन्ना थोड़ी देर में अंदर आए और फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम बदली और डिंपल के साथ बिस्तर पर अपनी पोजीशन ले ली। महेश ने एक्शन कहकर शूटिंग शुरू की। विनोद ने डिंपल को कई बार किस किया और बाद में उन्हें गले लगाया। महेश ने इस समय एक और शॉट लेने का फैसला किया, लेकिन इस बार सीन की गहराई पाने के लिए एक लंबा शॉट लिया। महेश और उनकी टीम कुछ ही दूरी पर शिफ्ट हो गई। विनोद ने उनके निर्देशों का पालन किया और डिंपल को किस करने लगे। जैसे ही उन्होंने डिंपल को गले लगाया उसके बाद ही महेश भट्ट ने कट के लिए कहा। हालांकि उनकी आवाज़ विनोद तक नहीं पहुंच पाई और विनोद डिंपल को गले लगाते व किस करते रहे। विनोद ने यह चीज़ फिर से दोहराई और डिंपल को कसकर पकड़ लिया। डिंपल सदमे में थी और समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। डिंपल ने निर्देशक से मदद लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते विनोद ने अपना काम जारी रखा था। अंत में महेश और उनके कुछ सहायक सेट पर पहुंचे और उन्होंने कई बार कट 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 चिल्लाया। विनोद ने आखिरकार डिंपल को छोड़ दिया जो कि पूरी तरह शॉक्ड थी। वह भागकर मेकअप रूम गई और दूसरी ओर महेश भट्ट ने विनोद खन्ना से इस बारे में बात की। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्देशक महेश भट्ट ने विनोद खन्ना को डिंपल कपाड़िया से माफी मंगवाई और उन्होंने बताया कि विनोद नशे में थे, अपना नियंत्रण खो चुके थे क्योंकि वह काफी लंबे समय के बाद इस तरह के सीन शूट कर रहे थे। पिंक विला की एक रिपोर्ट के अनुसार इस खबर की पुष्टि कभी नहीं हो पाई क्योंकि उस समय की किसी भी मैगजीन ने इस बारे में बात नहीं की थी। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कोई सलाह हो तो ज़रूर दें। धन्यवाद।